नमस्कार मित्रों, अभी 1 बजने वाला है। मैं अभी वर्कआउट करके उठा हूँ। मैंने इंदौर का समाचार पढ़ा है, आज 500 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए, 8 मौत हुई है। मैं चिंतित हूँ इंदौर को लेकर। मैं बंगाल में हूँ, अभी बंगाल में मुझे ममता जी को भी हराना है, कोविड को भी हराना है, इसलिए रात में मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, व्यायाम कर रहा हूँ, काढ़ा पी रहा हूँ। आपसे भी निवेदन है, इंदौर को हमें बचाना है। इंदौर प्रेरणादायी शहर है, इंदौर सारे देश को प्रेरणा देना चाहता है। हम स्वच्छता में नंबर वन आए हैं, हम स्वास्थ्य में भी नंबर वन आए, और इसलिए कोविड को पछाड़ने के लिए हमें कुछ नियम बनाना पड़ेंगे अपने जीवन के अंदर। मैं इंदौर के व्यापारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने स्वयं प्रेरणा से अपना व्यापार बंद रखने का निर्णय लिया। पर हम व्यापार बंद करके बाहर नहीं घूमें, हम घर के अंदर रहें, हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, हम एक्सरसाइज करें, हम प्राणायाम करें, बच्चों को और बूढ़ों को बाहर नहीं निकलने दें। इस कोरोना को हराने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ खान पान के नियम का भी पालन करें। मैदा हमारे लिए जहर है, बच्चों को ब्रेड से बचाएं, बच्चों को मैगी से बचाएं। मैदा इम्यूनिटी पावर को कम करता है, और इसलिए खान पान, दैनिक दैनिक दिनचर्या, इस सब को यदि आपने ठीक तरीके से बनाया तो आप कोरोना को हरा देंगे। इंदौर को हमें बचाना है मित्रों। मैं आज बहुत चिंतित हूँ, रात को 1 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपने लिए थोड़ा समय निकालेंगे, अपने परिवार के लिए थोड़ा अनुशासित जीवन जीने के लिए घर के अंदर वातावरण बनाएंगे, तो हम कोरोना को हरा देंगे। नमस्कार।